तो आपको मतलब कि ये मान लीजिए कि जैसे कोई भी आउटडोर फिल्म है, कोई बीच में कोई लाइन अगर बॉम्बे आके मालूम पड़ा कि कभी तो मतलब साउंड की वजह से नहीं होता, कभी डायलॉग चेंज करना होता है या एक्टर ने ठीक से नहीं बोला, वो बाद में रिटिंग में मालूम पड़ा, तो कभी कभी ऐसी हालत में भी डब करना पड़ता है। तो उस वक्त फिर आपका कैसे रहता है कि वो लोकेशन साउंड से ये मैच करे उसमें आपका? कोशिश तो की जाती है कि बैच हो जाए तो अच्छी अच्छी बात है ना, कोशिश तो की जाती है। तो बेसिकली वो आप कैसे एडजस्ट करते हैं उसको, डिस्टेंस ऑफ माइक से जैसे सभी कि? के कानों के हाँ, ऊपर है, जो भी है कानों के ऊपर ही है। और एक्टर की जो वो मतलब एक्टिंग जो उसकी डिलीवरी है नहीं वो तो वो भी मैच बेचारा, करनी पड़ेगी वो उसको। तो एक्टर तो खुद ही कर लेता है, उसको तो उसे अपने कुछ ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, अच्छा ठीक वो खुद ही कर लेता है। हाँ है। तो आपने मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट में तो बहुत काम किया है। बहुत काम किया ब्लैक एंड व्हाइट में तो। तो और बताइए, कोहिनूर के बाद और कौन कौन सी फिल्में आपकी याद तो आती हैं? पिक्चरें तो बहुत सही है वैसे। कोहिनूर बस एसयू सनी, अच्छा सही प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों हुए थे ना, आपके। दोनों ही थे कोहिनूर। सनी साहब ने कुछ 5 गोल्डन जुबली फिल्में बनाई हैं। उड़न उनकी लास्ट फिल्म थी शायद पालकी जो नहीं चली, उसके बाद वो उन्होंने खटोला भी थे ना उड़न उनकी, खटोला, उसमें तो आप नहीं थे, वो तो उड़न बहुत खटोला वो बेबू में हुई है, लेकिन मैं इसमें नहीं था, बहुत मैं फिर पुराने। उसमें चला गया ना, साउंड रिकॉर्डिंग में चला गया फिर तो। अच्छा, सॉन्ग में आपको कोई गाना ऐसा याद नहीं आता कि मदर इंडिया का? तो आप मदर इंडिया, दीदार और वो कुछ और फिल्म आप कह रहे थे, मिस्टर मिसेस 55, इनके सारे गानों में तो आप एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रेजेंट थे। मगर याद नहीं है कोई ऐसा बुढ़वार नहीं, वो के। गाने तो मतलब सबको पता ही है, मदर इंडिया के सारे गाने। और खाली ये तो ये वो आपको रॉबिन चटर्जी तो नहीं है? रॉबिन चटर्जी, रॉबिन चटर्जी ये सब उनकी याद बात आया, बिल्कुल सही। रॉबिन चटर्जी ये तो सनी साहब की रिकॉर्डिंग हुई थी ना, रॉबिन चटर्जी तो अच्छा, उनका ट्रैक था देखिए। तो महबूब में जो फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग ये म्यूजिक रिकॉर्डिंग बना उसमें चटर्जी साहब थे। अच्छा जी साहब थे, तो मैंने जब वो काम शुरू किया उन्होंने ही मुझे, करेक्ट रॉबिन चटर्जी। उस टाइम पे जो टैगोर हैं वो तीसरे कमरे में बैठते थे मशीन के लिए, बाद में वो रिकॉर्डिंग। तो भी ये रॉबिन चटर्जी फिल्म सेक्शन में भी थे, तो फिर वहां से महबूब में आए, तो कौशिक साहब महबूब से फिल्म सिटी चले गए, फिल्म सेंटर चले गए, ऐसे चेंज होते रहे इन लोगों का। तो रॉबिन रॉबिन चटर्जी के चटर्जी साथ फिर मतलब आपने काफी काम किया होगा, नहीं उनके साथ नहीं किया मैंने, खाली उनके कोहिनूर साथ उन्होंने किया। नहीं वो गानों में थे ना अच्छा, वो, गानों में थे। कोहिनूर में रिकॉर्डिंग से वो थे मोदी करके थे, अच्छा मिस्टर मोदी करके थे, वो भी नहीं है मेरे ख्याल से मिस्टर मोदी। तो भी क्या है मेरे जमाने में एक मिस्टर मोदी थे, एक मिस्टर पीपी बुलुर फंड्रम बुलुर थे, हाँ वो भी है फंड्रम बुलुर थे, अच्छा, और एक मिस्टर मनोहर करके थे, मनोहर अम्बेडकर, मनोहर अम्बेडकर थे एक, और मनोहर अम्बेडकर भी है नहीं पता नहीं, वो छोड़ दिया लाइन में वो भी, और उसके बाद में आता था मेरा नंबर। मनोहर अम्बेडकर तो मिला करते थे महबूब में, मेरे अच्छे दोस्तों में से। तो ये मतलब कि आप कह रहे हैं कि आप अपने रिजर्व आदमी थे, अपने काम से काम रखते थे, आपने ज्यादा लोगों से दोस्त नहीं नहीं बिल्कुल हो, इतने सालों में मतलब आपने किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी एक रिलेशनशिप बन गई हो? जैसे कि स्टूडियो में भी अगर आप गए तो एक आदमी को पहले हेलो बोलते हैं फिर ये करते नहीं, हैं। तो सबको ही बोलते हैं ऐसे तो, अच्छा, लेकिन ऐसे कुछ किसी के से ज्यादा ये नहीं हुआ मैं। क्योंकि किसी प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ, किसी एक्टर के साथ ऐसे कुछ होता है ना कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि अभी एक्टर के साथ देखा जाए तो मैं संजीव कुमार के साथ जरा अच्छा था मेरा, अच्छा, और अमित जी के साथ भी जरा अच्छा है, अच्छा, उनकी भी काफी फिल्में की ना अमित जी की भी। ठीक है, तो अभी हम अगले स्टेज पे आ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। कि ये ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से तो आप पहले बूम में, उसके बाद फिर आप असिस्टेंट बने होंगे हाँ जो मशीन पे बैठते हैं हाँ वो? ऑप्टिकल, पहले ऑप्टिकल ही था ना, हाँ, तो गाने वाने होते थे तो मैं ऑप्टिकल पे बैठ जाया करता था। अच्छा, ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग का एक उसमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है, ग्राउंड नॉइज और बायस ये सब, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। नहीं वो टेक्निकल इतना नहीं पता मुझे अच्छा, भूल गए क्या हमने थोड़ा, है। वो
वो जो दो लाइनें देखते हैं ना, उनकी थिकनेस होनी चाहिए, थिकनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, तो बायस से वो लाइन दिखती है, एडजस्ट करते हैं, जीएनआर से वो नॉइज कम होता है। हमारे पास एक रिकॉर्डर आ गया था, उसमें वो लाइन को चेंज करते थे, यानी मतलब कि नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ऐसा हो जाता था वो। अच्छा, वो भी है महबूब में, है शायद वो किसी ने, महबूब में एक ही ऑप्टिकल था वो, इसमें मैंने भी किया था, आरसी है, आरसी का, तो उसमें वो चेंज करते थे वो लाइन, जो डॉट, हाँ दो डॉट था वो चेंज हो जाता था। अच्छा ठीक है, तो वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए वो, तो उस रिकॉर्डर पे आपने काफी काम किया, उस पर काफी काम किया, महबूब पे काफी काम किया था, ऑप्टिकल से मैं ही करता था ना उसमें, और उस पर कुछ काफी काम किया उसमें। और अच्छा, तो फिर आप बताएं कि आपकी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म जो है, मेरी सबसे पहले इंडिपेंडेंट फिल्म है इत्तेफाक, ये चोपड़ा डायरेक्टर है और वो प्रोड्यूसर है मिस्टर बी आर चोपड़ा। तो इनको क्या है, एक फिल्म ऐसी बनानी थी, इनको इनकी फिल्म बननी थी आदमी इंसान, वो डिले हुई, वो आर्टिस्टों की डेटों की वजह से डिले हुई। तो इन्होंने सोचा कि एक क्विक ही बनाते हैं, तो एक पिक्चर बनाने का सोचा उन्होंने इत्तेफाक, और उन्होंने सोचा कि एक महीने में एक पिक्चर कम्प्लीट करके रिलीज करनी है। अच्छा, रिलीज किया एक महीने में, वन मंथ, उससे ज्यादा टाइम नहीं। तो फिर इनको क्या है, रिकॉर्डिस्ट की जरूरत पड़ी, ये चोपड़ा को और बिहार चोपड़ा को रिकॉर्डिस्ट की जरूरत पड़ी कि भाई एक महीने में कौन करके देगा। अभी हमारे रिकॉर्डिस्ट लोग भी ऐसे है ना, सबने बोला कि नहीं, हम तो भी पूरी पिक्चर का पैसा लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे पूरी पिक्चर का, उस जमाने में पूरी पिक्चर का एक साल का ये जो होता है, नहीं पूरी पिक्चर का, साल वाल नहीं, हाँ लेकिन ये भी तो पूरी पिक्चर ही थी ना, एक महीने में, हाँ एक महीने में वो, तो ये लेकिन कम पैसे दे रहे हैं, कम पैसे, तो नहीं आर्टिस्ट अपने रिकॉर्डिस्ट का रेट हो गया था, फिक्स हो गया था 11,000 रूपये पर पिक्चर, वो हुआ था, तब ये कहा 11,000 देने वाले हैं, क्योंकि एक महीने का, एक महीने में 11,000 कहाँ से देंगे। तो इन्होंने कोशिश आपको अप्रोच किया कि भाई मुझे एक रिकॉर्डिस्ट दो ताकि मैं ये पिक्चर कम्प्लीट कर दूँ। गाने हैं बेगुम में होते थे इनके सारे गाने, बी आर चोपड़ा के गाने, तो रिलेशन हो गए थे कुछ हिसाब से। तो कुछ हिसाब ने बोला कि भाई चेक कुछ चला जाए, इनके पास एक महीने पीछे बन गए बन जाएगी, एक तरह भी भला हो जाएगा। वहाँ पे भी महबूब में कुछ ठीक नहीं लग रहा था उस वहां में, तो मैं आ गया। तो उस वक्त आप कौशिक साहब के साथ ही म्यूजिक में थे? म्यूजिक में था, और मैंने कोई इंडिपेंडेंट कोई पिक्चर की भी नहीं थी उससे पहले, तो मैं आया। मैंने आगे किस वक्त की बात है? ये 69 की बात है, 69, क्योंकि ये इनसे मेरे तालुका तो थे, गाने वाने होते थे तो हमारे तालुका तो हो ही गए थे, ये चोपड़ा फैमिली से, हाँ चोपड़ा फैमिली से, कानून, दूर कपूर, साधना, अच्छा इन सब गानों, सब के गाने आप थे, सब बेगुना, तो इनका रिलेशन बन गए थे, ये जी से भी रिलेशन बन गए थे, और उसी जगह रिकॉर्ड हुए जहाँ आपने बाकी बंद, जी 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 जी, उसी, या तो वो ट्रायल रूम में, नहीं ट्रायल रूम नहीं, वो ट्रायल रूम तो टूट गया उस वक्त, वो नंबर वन नंबर नहीं, ये भी जो एग्जिस्टिंग है अभी, अच्छा जो ऊपर वाला, ऊपर वाला है वहाँ पे, सब धोन का फूल वगैरह, हाँ वहाँ पे तो किया। फिर मैं आ गया इनके पास, इन्होंने बोला भैया ऐसी बात नहीं सर, ऊपर का तो मैंने आपको बताया ना कि ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे बना वो या तो ये रिनोवेशन के बाद में हमने यूज किया, रिनोवेशन के बाद यूज किया, अच्छा रिनोवेशन के बाद यूज किया, तो पहले वो ऑप्टिकल रिकॉर्डर को ऊपर भेजा था, नहीं ऑप्टिकल नीचे था और ऊपर से केबल डाला, केबल डाला हुआ था, आई सी, और LTST यूनिट भी नीचे रहते थे, अच्छा अच्छा LTST यूनिट भी नहीं, तो मैं भाग के LT पर कम करो, बढ़ाओ, ज्यादा करो, वो होने से क्या करता था, लाइट का इंटेंसिटी, हाँ नहीं ये LTST इसका माइक्रोफोन प्रीएम्प्लीफायर के लिए, प्रीएम्प्लीफायर के लिए, तो मैं वहाँ खुशी राहुल से भाई थोड़ा बढ़ा, थोड़ा कम करो, मैं जाके ऊपर से वो कंट्रोल ऊपर थे ना, वहाँ जाके किया करता था उसको, अच्छा फिर वो, और वहाँ पे मिक्सर ये वो था जो अभी नीचे रखा हुआ है, जो चार चैनल वाला वो नीचे मिक्सर नीचे ही था, अच्छा खाली वो माइक्रोफोन की लाइन, तो कौशिक साहब नीचे बैठते थे, नीचे बैठते थे, अरे ये तो बहुत अजीब बात है।
तो इंस्ट्रक्शन देने में सब सिंगर और सब ऊपर सब ऊपर, वो टॉक बैठता है ना, टॉक बैठ से बोला करते थे, तो उसे करते थे। फिर बाद में तो बाद में क्लैंग फिल्म आया, ये आया वो आया, फिर बाद में अलग ही हो गया सब, नहीं तो सब नीचे ही होता था। और वो दीदार के जो गाने थे वो वेस्टेक्स पे हुए थे, दो चैनल पे, जो हमने मुकुल बोझ ने किए थे। अच्छा, दो चैनल के। वो कहाँ पे? वो था प्रीव्यू थिएटर, महबूब में। महबूब में प्रीव्यू थिएटर था ना, उसमें गाने वो दीदार के हुए थे। तो महबूब मतलब काफी बिजी स्टूडियो रहा, बहुत बिजी। गाने वो रॉबिन शेट्टी जी करते थे, कशी साहब करते थे, और मुकुल बोझ करते थे, गाने वो सब उसी में होते थे। कौशिक साहब के बारे में कुछ थोड़ा सा और बताइए, किस तरह के आदमी थे, बॉस कैसे थे? अच्छे बॉस थे, बहुत अच्छे बॉस थे, बहुत प्यार करते थे मुझे। अच्छा, बहुत अच्छे आदमी थे, और क्या भी काम किया उनके साथ। म्यूजिक का सेंस भी था उनको, म्यूजिक का भी सेंस था। दो चैनल पे गाना रिकॉर्ड करना तो एक कमाल की बात है। अभी तो यार ये इतना तमाशा हो गया कि वो समझ में नहीं आता है। पहले तो क्या है, चार गाने एक दिन में, चार चार गाने होते थे, चार चार गाने मतलब विथ वॉइस विथ म्यूजिक सब कुछ सब एक साथ ही होता था। चार चार गाने, दो गाने सुबह, दो गाने शाम को, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक और ये और वो, दुनिया भर का काम होता था। उस वक्त आपकी लाइफ बहुत बिजी थी। बहुत बिजी थी, वो टाइम बहुत मिलता था मुझे, बहुत अच्छा वो टाइम मिलता था। काम करो तो यार ठीक से करो, नहीं तो मत करो। अच्छा, फिर इत्तेफाक आ जाते? हाँ, इत्तेफाक वो किया, एक महीने में कम्प्लीट होगी पिक्चर, वो फॉरन रिकॉर्ड करके ट्रांसफर करके, और फिर वो इत्तेफाक नागरा पे किया आपने? नहीं, नागरा पे नहीं, इस पे उनकी मशीन थी ना, राजकमल की, राजकमल की वेस्टर्न मशीन थी ना। अच्छा, साढ़े सत्रह वाली? ना ना ना, प्रदीप भाई वाली, ये बूथ में थी जो थी। अच्छा, बूथ में है ना मशीन उनकी, अभी है कि नहीं पता नहीं मुझे। बूथ में वो हाफ टेप वाली थी, या तो 16 थी या 35 या 17 एंड हाफ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा 35 थी वो। ओके, 16 तो एक्चुअली उनके दो थे, एक तो जो अगर एक लेफ्ट साइड का स्टेज है और एक राइट साइड का है। हाँ। तो लेफ्ट वाले में मैंने काम किया है। हाँ। उसमें 17.5 का था, शायद राइट वाले में 35 रहा होगा। 35 था, वो बड़ा मशीन था। हाँ, ठीक है। तो उस पर किया, उस पर किया। और वो मेरे साथ वुमेन अच्छा था, वो रमेश यादव करके था, बड़ा अच्छा हुई वुमेन अच्छा था वो। तो वो बड़ी वाली एमआर बूम पे किया? एमआर बूम पे किया था। एक ही सेट था ना? एक ही सेट था। आउटडोर वगैरह भी कुछ नहीं था? थोड़ा सा आउटडोर था, उसमें डायलॉग नहीं थे आउटडोर में। अच्छा, ये पासिंग वर्सिंग यही था। तो इत्तेफाक के बारे में और कुछ आपको? नहीं, पूरा सिंग साउंड था, पूरी पिक्चर सिंग साउंड थी, उसमें कोई डबिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और क्वालिटी भी अच्छी मिली थी, बहुत अच्छी मिली। एक्टर्स भी ज्यादा नहीं थे शायद? राजेश खन्ना, इंदन था, अच्छी दो एक्टर, और ये सम्मी थी। एक ही मतलब कि काम बेसिकली सिंपल था? सिंपल था, बहुत सिंपल था, सिंपल था, सिंपल था, लेकिन अच्छा हो गया था। क्योंकि आप पहले के डायरेक्टर लोग ना सॉन्ग को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस देते थे यार, अभी ना डब कर लेंगे जी, कुछ भी डब कर लेंगे, इसलिए शूटिंग में लोग नहीं, मगर वो बात बनती नहीं है यार। डब भी करो तो फिर ढंग से करो ना, नहीं होता है ढंग से। ठीक है, अभी वो पहले तो अभी यजी तो इतना शोर मचाते हैं सेट पे, इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि पूछो मत। अभी वो मैं तो साइलेंट कर दिया करता था, अभी जो सुसा बैठा हुआ, डब नहीं करना है यार, सारे मान जाते थे। लेकिन अगर डब नहीं करना है अगर, तो फिर मतलब फिर आवाज मतलब कोई भी नॉइज करने का फायदा नहीं है ना। नहीं नहीं, आप अपना ही ट्रैक खराब कर रहे हो। और क्या, आपको ही नुकसान है। वो एक है वो राजकमल में कबूतर बोल बोलते थे सारे स्टूडियो के अंदर, तो उसको जरा आवाज वाज करो चुप हो जाते थे वो। अच्छा, फ्लोर अच्छा था वो। तो फिर आपको उन्होंने कितने पैसे दिए? 700 रूपये। 700 रूपये? 700 रूपये शेख साहब, 11,000 के बजाय 700 रूपये।
अनफेयर हो गया ना। अनफेयर बोले तो बहुत अनफेयर है, वही चलो ठीक है यार। इस फिल्म के लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था शायद? हाँ, पहला अवार्ड इसी में मिला था मुझे 69 में, और रमेश यादव को 900 रुपए मिले, मुझे 700 मिले। कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि अटेंडेंस जो है वो मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाए। मैंने यादव को रमेश यादव उसको डेली मिला होगा शायद, पर डे मिला होगा, पर डे मिला उससे, पर डे पे काम किया, उसको 900 रुपए मिले, मुझे 700 रुपए मिले, और मैं परमानेंट हो गया यहाँ पे। मैंने सही साहब आप फिर यजी की पिक्चर शुरू की उन्होंने, यजी ने अभी कंपनी लॉन्च की यशर फिल्म, उसमें भी मैं लग गया। अच्छा, वो इत्तेफाक के बाद? इत्तेफाक के बाद गया। अच्छा, डार्क पिक्चर बनाई थी उन्होंने। ओके, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना, फिर जितनी भी उनकी फिल्में बनी मैं ही करता गया उनकी फिल्में। फिर उनके प्रोड्यूसर इतने मैनेजर थे मिस्टर सीवी के शास्त्री, उनकी भी पिक्चर की मैंने। ऐसे मतलब तो ये कौन सा पीरियड है 69 के बाद? 69 के बाद 70। तो वो आपका मतलब लग रहा है कि बहुत बिजी पीरियड है? बहुत बिजी पीरियड है, बहुत बिजी पीरियड है। अच्छा, तो दाग में कैसा काम हुआ? दाग में अच्छा काम हुआ, दाग में भी शुरू नागरा आ गया था उस वक्त। अच्छा, नागरा का मुझे चलाना आता ही नहीं था, नागरा को हमने कभी देखा ही नहीं नागरा को। तो फिर वो ट्रेनिंग व्रेनिंग ली हमने, वो क्या रिकॉर्डिंग से क्या अच्छा नाम है उनका, उन्होंने बताया मुझे कि ऐसे इसको ऐसे ऐसे ऑपरेट करना है। चलो लग गए उसमें, हम पहला आउटडोर निकला शिमला का, बर्फ में पहली ट्रिप हो गया हम उसमें, बर्फ बर्फों में। 71 की बात है? 71 की बात है। फिर तो फिल्म भी चल गई थी, चल गई थी, सब पिक्चरें चली उनकी, एक दो पिक्चरें छोड़कर, दाग, कभी कभी, सिलसिले, फासले, सिलसिला भी आपने किया? सिलसिला ही मैंने किया। और कोई अवार्ड आपको बाद में मिले इत्तेफाक के बाद? उसका दीवार का मिला था ना, राजेश खन्ना, वो ये चोपड़ा के डायरेक्टर भी चोपड़ा, वो भी अच्छी। क्या अवार्ड था वो? वो फिल्म फेयर। और इत्तेफाक का? फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और एक मिला था अवार्ड उसका काला पत्थर का, वो फिल्म वर्ल्ड का था, वो फिल्म वर्ल्ड निजाद में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया। अच्छा, वो किस साल में मिला? वो 2003 दादा साहब फाल्के अवार्ड। 2003 एक्सेलेंट। तो बेसिकली फिर आप इस कैंप के साथ ही रहे भैया, वो चीवी के शास्त्री तो बीच में वो तो इसी एक आध बनाई होंगी। मैंने मुनासिब नहीं समझा, इधर भागो उधर भागो, इधर जाओ उधर जाओ, सिस्टर कंसर्न, सिस्टर कंसर्न भी। और मुझे कोई तकलीफ नहीं ना यहाँ पे, कोई तकलीफ ही नहीं है मुझे। वैसे आपको मतलब आइडिया है कि आजकल किस तरह से काम हो रहा है? ठीक ही है आजकल, ज्यादातर ये ज्यादा होता है, ये सिंग सॉन्ग ज्यादा हो रहा है। ये कोहिनूर पिक्चर एक थी दिलीप कुमार वाली, दिलीप कुमार वाली पूरी सिंग सॉन्ग है, कोई डबिंग नहीं, दिलीप कुमार बनाओ, दिलीप कुमार तो उनको तो आवाज ही नहीं निकलती थी यार, लेकिन पूरी पूरी सिंग सॉन्ग थी। एक फ्रेम भी इसका डब नहीं हुआ था, मदर इंडिया हमारी कोई एक फिल्म भी जब नहीं हुआ था। मदर इंडिया में टाइटल किसका था? टाइटल तो क्वेश्चन सब है ना, क्वेश्चन सब है, मेरा भी है उसमें, लेकिन मैं क्या जस्टिस फिल्म था उसमें। और वो मिक्स कैसे थी? डिसाइड नहीं, हाँ डिसाइड अब नहीं, मेहनत 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 रंग लाई इतना तो मेहनत मेहनत सिंसियरिटी मालूम पड़ जाता है कि आदमी कैसा वो रंग लाई। और उसी की सर से पूछो तो उसी की रोटी आज भी मैं खा रहा हूँ, उसी पीछे की रोटी खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा काम हो गया। इस दौरान आपके घर में क्या होता रहा? कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं, घर वाले फैमिली का क्या? बोले कोऑपरेटिव है घर वाले, बहुत कोऑपरेटिव। शादी आपने कब की? मैंने 62 में की शादी। अच्छा, 62 में लेट हुई शादी, लेकिन 29 से 62 तो हाँ 30 साल के ऊपर होंगे। 30 साल के ऊपर हो गया। तो फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मेरी एक बेटी है बस, वो 64 में पैदा हुई है, उसकी भी शादी हो गई है। हो गई उसके दो बच्चे हैं,
मेरे पास ही रहती है। अच्छा। उसका हस्बैंड कोविड में गया हुआ है। अच्छा। क्या नाम है बेटी का? जायदा। अच्छा, और बच्चों का क्या नाम है? एक का नाम है कैफ, एक का नाम है नबीरा। तो आपके कैरियर का हाइस तो हमने देखा अभी कि एक जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में महबूब में आप बहुत बिजी थे, फिर आप यशराज के मतलब चोपड़ा कैंप में आके भी बहुत बिजी रहे। तो कोई ऐसा एरिया भी आपको लगता है कि जो जिससे आपको ऐसा लगा कि कुछ नाखुश रहे या कुछ लाइफ में टेंशन रहा हो फिल्मों में आने के वक्त या उसके पहले? नहीं सर, ऐसा कभी कभी नहीं। मैं एक बार बताऊं आपको, मैं 1951 से काम कर रहा हूं और एक दिन भी मैं बैठा नहीं हुआ। वेरी लकी। लकी वेरी लकी। एक दिन भी नहीं बैठा हुआ, एक दिन भी नहीं बैठा हुआ। करता गया काम, करता गया, करता गया, करता गया, एक दिन भी नहीं बैठा, नॉट ए सिंगल डे। और ना बीमार पड़ा मैं। अरे रे, बीमार भी नहीं पड़ा मैं, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। आपका वो एटीट्यूड ही नहीं है टेंशन का। और लाइफ में आपको कोई शौक, सिगरेट, शराब? कुछ नहीं, कुछ। ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि मुझे लोग अच्छे मिले। सबसे बड़ी बात ये कि लोग अच्छे मिले, मेहू खान अच्छे मिले, बी आर चोपड़ा अच्छे मिले, यश चोपड़ा अच्छे मिले, सब मुझे अच्छे ही मिले। और मैं हमेशा मैं अच्छों के साथ ही बैठा हूँ, उठाऊँ बैठाऊँ उनके साथ ही रहा। इसीलिए मैंने किसी के साथ ज्यादा, मैंने देखा यार आदमी गड़बड़ है, मैं हट गया, जैसे बाजू ही हट गया,